हेलो हाय नमस्ते केंचो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल शुभांशु और आज हम बात करने वाले हैं फूड एटीएम के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फूड एटीएम क्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। दोस्तों इमेजिन करिए कि एक हो ऐसी मशीन जिसमें आप पैसा डालें एंड उसमें से निकले आपकी फेवरेट खाने की चीज। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि ऐसी मशीनें हैं जिसमें आप अगर पैसा डालिए तो उसमें से टॉफी निकलती, चॉकलेट निकलती है या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकलती है। लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें से असली खाना निकलेगा, जैसे कि बर्गर, पिज्जा या फिर आप कह लीजिए समोसा या फिर कोई भी और चीज जो फास्ट फूड है या फिर जो नॉर्मल आप कह सकते हैं खाना होता है वो उनमें से निकलेगा। जैसे नॉर्मल एटीएम होते हैं वो वैसी ही मशीन्स होंगी, जगह जगह पे रखी रहेंगी एंड उसमें आप पैसा डालिए एंड जो भी आप वो खाना है वो आप खा सकते हैं। दोस्तों इन फूड एटीएम्स को आप ऑटोमेटेड फूड मशीन्स भी कह सकते हैं, यानी कि AFM। तो आज तक आप सुन रहे हैं ATM, कुछ सालों बाद हमें सुनने को मिलेगा AFM, यानी कि ऑटोमेटेड फूड मशीन्स, जिनमें से निकलेंगी गरम गरम खाने की चीजें। तो दोस्तों जापान में 1990 से ही जो है ये एक वेंडिंग मशीन चालू हो गई, जो रैमन वेंडिंग मशीन आप इसे कह सकते हैं। रैमन अगर मैं आपको बताऊँ तो नूडल्स आप समझ लीजिए, तो इसमें आप पैसा डालिए एंड आपको जो है नूडल्स मिलेगा। लेकिन अमेरिका में दोस्तों ये जो ऑटोमेटेड फूड मशीन है ये आई है 2012 में, ये रिवील हुई है एंड दोस्तों ये है कपकेक ऑटोमेटेड फूड मशीन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप पैसे डाल के कभी भी कपकेक निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है ये आपको मिल जाएगी स्प्रिंकल्स कपकेक्स में, जो कि है बेवेली हिल्स कैलिफोर्निया में। दोस्तों इस मशीन में 600 कपकेक रखे जाते हैं एंड इन्हें कॉन्स्टेंटली जो है रीस्टॉक किया जाता है, हमेशा जैसे ही कपकेक कम हुए तो इनमें और नए कपकेक डाल दिए जाते हैं। एंड ये 24/7 है, यानी कि ये 24 घंटा खुली रहती है एंड सातों दिन खुली रहती है। तो जब भी आपको भूख लगे तो आप वहाँ जाके, अगर आप USA में रहते हैं एंड उस एरिया में रहते हैं तो आप वहाँ जाके थोड़े दीजिए पैसे एंड उसमें से आपको निकल के आएगा कपकेक एंड मजे लीजिए कपकेक के। तो दोस्तों बहुत लोगों का फेवरेट फूड जो कि है पिज्जा, तो हाँ दोस्तों पिज्जा एटीएम भी है दुनिया में एंड दोस्तों इसे अनवील किया गया था 2016 में जेवियर यूनिवर्सिटी में, जो कि है सिनसिनेटी ओहाइयो में। एंड दोस्तों ये जो पिज्जा है इसके अंदर 70 पिज्जा भरे जा सकते हैं, 70 पिज्जा रखे जाते हैं एक टाइम पे। तो दोस्तों ये जो पिज्जा एटीएम है ये बेसिकली इन्वेंट किया था एक फ्रेंच कंपनी ने जिसका नाम है पेलाइन। एंड दोस्तों ये अभी की नहीं है, ये 15 साल से ये एटीएम्स यूरोप में है एंड ऐसे 300 एटीएम है अक्रॉस यूरोप में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करेगा, तो इसमें बेसिकली 70 पिज्जा जैसे मैंने आपको बताया रख दिए जाएंगे, इन्हें असेंबल किया दिया जाएगा एंड इसके बाद एक टच स्क्रीन होगी जहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको कौन सी टॉपिंग चाहिए एंड क्या है। एंड 3 मिनट के अंदर वो पिज्जा बेक करके आपके सामने आएगा एंड आप खा सकते हैं गरम गरम टेस्टी पिज्जा। दोस्तों काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये फूड एटीएम्स का एंड मैं सोचता हूँ कि अगर ये इंडिया में आ जाए तो मतलब मजा आ जाए। जैसे इंडियन के जैसे आपको फूड मालूम ही है जो कि समोसा ये सब जो भी फास्ट फूड है हमारे आसपास, तो अगर इनके एटीएम्स हमको मिल जाए जगह जगह पे एंड हम लोग पैसा दें उसमें से निकले गरम गरम समोसा या फिर आप कह सकते हैं दही भल्ले या फिर जो भी आपका फेवरेट हो, ब्रेड पकौड़ा, देखे मुँह में पानी आ जाता है खाली नाम लेके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं हमारे अराउंड लेकिन हमें पता नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में इतनी जल्दी हमें फूड एटीएम्स देखने को मिलेंगे। हाँ हमें कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे डोमिनोज हैं, मैकडोनल्ड्स है, ये सब ये कॉन्सेप्ट को ला सकती हैं इंडिया में बर्गर एंड पिज्ज़ा के लिए। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या कभी ऐसा हमें फूड एटीएम को देखने को मिलेगा जिसमें से गोलगप्पे निकले या फिर समोसा या फिर आप कह सकते हैं ब्रेड पकौड़ा या फिर जो भी इंडियन के जैसे आप मान लीजिए मसाला डोसा या फिर छोला भटूरा। तो अगर ऐसी चीज़ें निकले तो मतलब मज़ा आ जाए कसम से।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो एंड डेली वीडियोस देखा करो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ इस चैनल पे। एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो अपने दोस्तों को टैग कर दो एंड उन्हें भी फैलाओ इतनी ढेर सारी जो नॉलेज है। एंड मैं शुभांशु सिंह अभी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ।